अनहेल्दी फूड हैबिट्स दैट कैन कॉज हेयर लॉस। आपको अच्छे से पता है कि हम जितना अच्छा जितना न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे उतने ही हमारे बाल खूबसूरत होंगे, यानी कि बालों को जिस जिस न्यूट्रिशन की जिस जिस विटामिन की मिनरल की ज़रूरत है उसके लिए हमें जो खाने की प्लेट है उसको संतुलित रखना, उसको बेहतरीन रखना, उसको शानदार रखना और उसको वेल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं कि कुछ ऐसी आदतें जो हमारे बालों को ख़राब करती हैं और जिन्हें हमें आज से ही टाटा बाय बाय कहनी है, वो कौन सी हैं। नंबर वन, हैविंग एक्सेस विटामिन ए। हम सबको पता है कि विटामिन ए हमारे बालों के लिए और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने विटामिन ए एक्सेस मात्रा में ले लिया तो इससे हमारे बाल खराब हो सकते हैं। देयर इज अ लिंक बिटवीन फैट्स फाउंड इन फ्राइड फूड्स एंड इंक्रीज इन DHT एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, अ हार्मोन विच लीड्स टू मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉलनेस। अब इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जो ग्रीसी फूड्स होते हैं, उनमें जो फैट होता है वो अच्छा फैट नहीं होता है, वो बुरा फैट होता है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को तो खराब करता ही है लेकिन साथ में हेयर लॉस भी कराता है। नंबर थ्री, हैविंग फूड्स विद हाई मर्क्यूरी लेवल। कुछ ऐसे फिश होते हैं, कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जैसे कि मार्करल, सुशी या स्वॉर्डिश, इनमें मर्क्यूरी लेवल बहुत हाई होता है जिससे हेयर लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। नंबर फोर, लो प्रोटीन डाइट। अगर आप लो प्रोटीन डाइट खाते हैं तो उसमें आपको एमिनो एसिड की कमी हो जाती है और बालों के लिए एमिनो एसिड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हेयर लॉस हो सकता है अगर आप लो प्रोटीन खाना खाते हैं। नंबर फाइव, कंज्यूमिंग फूड विद हाई ग्लाइसेमिक एसिड। अगर ग्लाइसेमिक एसिड ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वही ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, और अगर ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज़ होती है तो बाल अपने आप ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। नंबर छः, ईटिंग फूड्स रिच इन हाई प्रोसेस शुगर। अगर प्रोसेस शुगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर वही इंसुलिन की समस्या, फिर वही ब्लड शुगर की प्रॉब्लम और साथ में बालों का ख़राब हो जाना, तो इससे भी बचना ज़रूरी है। नंबर सेवन, लो इनटेक ऑफ जिंक एंड आयरन। हमें अच्छे से पता है कि हमारे बालों में जिंक एंड आयरन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर ये अच्छे होते हैं तो कैरेटीन बनता है जो बालों के लिए प्रोटीन है, इसीलिए ऐसा खाना खाएं, ऐसा संतुलित भोजन करें जिसमें जिंक और आयरन की मात्रा भरपूर हो। हेल्दी फूड्स फॉर हेयर ग्रोथ। डॉक्टर की अगर माने तो जितने भी प्रोटीन वाले खाने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करें, एग्स की बात करें, मिल्क की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, योगर्ट की बात करें, पनीर की बात करें, दालों की बात करें, ये सब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। हेल्थ से जुड़ी और ऐसी ही खबरों के लिए पढ़ते रहिए www.news9live.com।